नमस्कार दोस्तों, आप खोल चुके हो न्यूज डिग्गी और मेरा नाम है जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरे पीछे एक पोस्टर मौजूद है। ये पोस्टर है मिस्टर एंड मिसेस माही का। मिस्टर एंड मिसेस माही एक मूवी है जिसमें हमें जानवी कपूर और राजकुमार राव की एक प्यारी सी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। प्यारी सी केमिस्ट्री रोमांस के साथ साथ हमें एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह राजकुमार राव अपने करियर को लेके, अपने स्पोर्ट्स को लेके पैशनेट रहते हैं पर किसी कारण से वो पूरा नहीं कर पाते, पर उनकी पत्नी जानवी कपूर उनकी मदद करती है और कैसे एक दोनों साथ मिलके एक प्यारे से सपने को पूरा करके दिखाते हैं। फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म को डायरेक्ट किया है सरन शर्मा जी के द्वारा। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर है करण जौहर एंड जी स्टूडियो। फिल्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो द इंपीरियल होटल न्यू दिल्ली में की गई है, जिसमें जानवी जी से बहुत सारे सवाल किए गए। उनसे उनके फिल्म का पूरा शेड्यूल लिया गया कि किस तरह से उनको प्रैक्टिस में मेहनत करनी पड़ी थी, क्या क्या उन्होंने डाइट प्लान रखे थे और कैसे कैसे उन्होंने काम किया। तो आइए देखते हैं। I love Delhi. It honestly feels like home. और मैं last time जब यहाँ कोई film को promote करने आई थी तो वो धड़क था और धड़क हमारे लिए काफी successful रहा। So I'm hoping इस बार फिर Delhi की प्यार की वजह से हमारी film वापस successful हो। Definitely because a brilliant actor like yourself, I mean it has to go successful. Everybody is going gaga over the song. I mean we just had a look. It was so amazing, so full of love. And if we talk about the trailer, I think यहाँ पर सभी excited हैं trailer को देखने के लिए. So what do you say? Should we have a look at the trailer? Of course. That is Mr. and Mrs. Bani. Give your hands some noise. Woohoo! Loudest noise, everybody! Come on, let's give it up for Mr. and Mrs. Bani. Well, Chandi, a question of Usha Mulli. I'm sure it's in the mind of everybody here. Where is Mr. Mahi? Mr. Mahi, Mrs. Mahi को छोड़ के चले गए। Mr. Mahi को actually हम बनारस में थे, वाराणसी में थे और वहाँ हमने फिल्म की प्रमोशन की और वो वहाँ actually दूसरी फिल्म की शूट भी कर रहे हैं। तो अब उनका आना जाना प्रमोशंस में जो भी सिटीज में जा रही वो कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि वो वहाँ यहाँ रहना। इनफैक्ट वो कल इतने सैड हो गए थे, कह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म को प्रमोट करने का मजा ही अलग है, ये जो जोश आप अंदर से महसूस करते हो। सो ही रियली वांटेड टू बी हियर बट ही हैज गॉट हिज फिल्म कमिटमेंट्स। उनके बिहाफ में मैं डबल एनर्जी लेकर आई हूँ आप लोगों को से मिलने और बातचीत करने। मेरा ये मानना है कि बहुत ही शुभ नोट पर हमारा प्रमोशन टूर शुरू हुआ है। बहुत टाइम से आई थिंक बचपन से वाराणसी से एक अलग टाइप का फैसिनेशन था। इतनी ऐतिहासिक जगह है, इतना कल्चर है, वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने हमारी फिल्म की प्रमोशन वहाँ से शुरू की, गंगा। That's what my next question was, but I think I already got the answer that you started your promotion with Varanasi. So what was the particular reason about it? And I think we are good to go. I mean, honestly, it was the reason was because Raj वहाँ शूट कर रहे थे, but I think you know. There was a divine plan because we couldn't have asked for a better way to start promotion with the Ganga Aarti. I think it really set us up on the right note. All right, everybody, I think we're good to go and let's start with a Q&A session. The media has been very, very excited to be asking you questions and I'm sure they're all prepared. But you guys, just one thing, I would request you all to kindly stick to the film and before asking questions, please raise your hands. So, मैंने जब ये फिल्म की शूट शुरू की थी, प्रेपरेशन जब शुरू की थी, मैं उस वक्त आई थिंक गुड लक जेरी को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी या नहीं, मेरी के आसपास के टाइम का था एंड आई वाज अबाउट 8-9 किलोस हेवियर एंड शरण वाज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज़ ही केप्ट सेइंग यू डोंट लुक लाइक अ क्रिकेटर एंड इफ यू रियली वांट टू डू दिस फिल्म यू नीड टू स्टार्ट लूजिंग वेट, यू नीड टू स्टार्ट ट्रेनिंग इन क्रिकेट। तो मेरा डेली रूटीन ऐसे था एट द पीक ऑफ माय ट्रेनिंग। मेरे जो कोच थे अभिषेक नायर वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है हमारे आईपीएल प्लेयर्स के साथ भी नहीं की जाती, उतना इंटेंस था। सो आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गो टू नियर अहेड ऑफ पवई देयर इज अ स्पेस कॉल्ड भांडुप, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द नेट्स विद सम ऑफ हिज केकेआर प्लेयर्स
who he just recently recruited. तो दो घंटे वहां नेट प्रैक्टिस होती थी, फिर मैं बांद्रा आती थी, वहां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था, तो ये तकरीबन एक घंटे तक चलता था. फिर मैं मीटिंग्स करती थी, अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी. फिर पैकअप के बाद मैं वापस बांद्रा के किसी ग्राउंड में दो घंटे और प्रैक्टिस करती थी. तो या इट वॉज एटलीस्ट 5-6 hours ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एवरी डे. आई वॉज फॉलोइंग अ वेरी लो कार्ब डाइट. And I was shooting simultaneously for other things, and my other directors and producers would get very upset because I'd keep losing weight and I'd keep, I guess, looking a little tired. Like, I remember I went for one schedule of Bawal, and Mitesh sir looked at me and he was like, "Ye meri nisha nahi hai. Kahan chale gaye? Tum to aadhi ho gayi ho." And I was shooting. I shot 2-3 days of Devraj, and even there, they were like, "You're not like looking. You're not glowing like you were in the look test. You're looking a little." tired, and that was just during the course of this film, and I think it went on for a while, but I'm feeling like myself a little bit. And of course, injuries काफी थे, काफी लंबा process रहा है इस फिल्म के शूट का. हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब इस फिल्म को कर रहे थे तो राजकुमार राव के साथ आपका फिल्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई एक 5 फिल्म का जो आपका लाइफ टाइम वो पीरियड की मुझे एक पार्ट याद रहेगा हमेशा राजकुमार के साथ काम करने. ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में. पहली फिल्म हमने की थी रूही, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, और हम एक दूसरे को वो, क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी और वो बस डर रहे थे मेरे से, और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें. तो वो पूरा खुन्नस हमने मिस्टर मिसेस माही में निकाल दिया, एंड इट वाज ग्रेट. आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर ऑन दिस जर्नी. हमने यहाँ लिखा है इम्परफेक्टली परफेक्ट पार्टनरशिप, लेकिन मेरा ये मानना है कि मी एंड राज टुगेदर वर द परफेक्टली परफेक्ट पार्टनरशिप. वो जिस तरह से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर कास्ट मेंबर, हर टेक्नीशियन को सेट पे सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से, कि सबको उनको देख के दे यूज टू फील एनर्जाइज कि नहीं हमें भी हमारा बेस्ट देना है. सो या जल्दी पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में आपकी एंट्री ने पहले तो तापमान बढ़ा दिया है आपकी हॉट फिल्म में, और भारतीय परंपरागत साड़ी तो आप वाकई कमाल लग रही है. अब आप एक प्रश्न की हो जानवी, आपने ये माही एंड मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म की, तो ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है समाज के अंदर, आपको क्या लगता है? बहुत सारे मैसेजेस हैं. इनफैक्ट मैंने और राज ने, हम स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म पर इस तरह ऐसे कूद गए, क्योंकि ये फिल्म के जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रही है, वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है. जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये फिल्म है सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है. ये फिल्म है सपनों के बारे में, सबसे ज्यादा सपनों के बारे में है. इतनी बार होता है लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो जो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है आपके फैमिली से, आपके नज़दीकी लोगों से, वो नहीं मिलती है. तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, वो नहीं होती है. तो ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जिनको हिम्मत नहीं मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागे. उन लोगों के बारे में भी है जो कि अपने पार्टनर्स या दोस्त या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं उस जर्नी में, उस अनुभव में. और ये फिल्म है एक पति पत्नी के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार है, अरेंज मैरिज में कैसे आप एक दूसरे को डिस्कवर, जानने लगते हैं शादी के बाद, प्यार करने लगते हैं. तो ये उन रिश्तों के बारे में है, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में है. आई थिंक आप जितने भी बड़े हो जाए, वो पापा का वैलिडेशन हमेशा मायने रखता है, हमेशा एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है. तो ये फिल्म इन सारे चीज़ों के बारे में, और कैसे हम इस दौर में फेम के पीछे कितने पागल हुए हैं, वैलिडेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे इतने दीवाने हैं. तो वो हमारे मानसिक स्थिति तो
स्थिति को कैसे अफेक्ट करता है, ये इन सारे चीजों के बारे में ही ये फिल्म। तो देखा आपने कि कितना ही मजेदार ये मूवी होने वाली है। ट्रेलर को देख के आप लोगों को तो पता लग गया होगा कि कितनी खास होने वाली है ये मूवी। तो मूवी की जो रिलीजिंग डेट है वो 31 मई है। आप भी जाइए मूवी को देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी। कैमरामैन अनंत सिंह के साथ मैं जितेश मिश्रा।